आज का टॉपिक में आपको हम कुछ अभी कोई कोई और आया नहीं सर। अब चलिए सर नहीं आया तो फिर आप तो यहाँ पे हम दो दो फाइलों के अंदर में ये हम करने जा रहे हैं, एक काम करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं आपको फोर इसका मतलब कि एक छोटा सा एक काम करने जा रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम लूपिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा हम कुछ एग्जाम्पल्स हम लूपिंग के ही ले रहे हैं ताकि लूप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं सी एंड सी प्लस प्लस के, कुछ क्वेश्चंस हैं जब मैंने डीसी और एमसी किया था तो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मेरे एग्जाम में, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था मुझे इस तरह का एक वैल्यू प्रिंट करना था। इस तरह की वैल्यू प्रिंट करना सिक्वेंस, तो इस वैल्यू इसमें देखिए आपको क्या दिखेगा। इसमें एक तो हमारा रो जो है 5 है और कॉलम जो है जितना नंबर रो है उतना कॉलम हमें यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। जैसे पहला कॉलम है, पहले रो है तो पहला पहला कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम, तीसरे में 3 कॉलम, इस तरीके से इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। इंटरव्यू देने जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हम उस काम को इंटरव्यू देने से पहले ही कर लेते हैं। मुझे इस तरह का पिरामिड टाइप का कुछ एक ट्रेंगल टाइप का बनाना है विद वीवीए, तो इसके लिए हम चलिए प्रोग्राम करते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल, यहां पे देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे मुझे लिखने हैं तो हम यहां पे फोर लूप लगाएंगे, लेकिन फोर में हम क्या सिलेक्ट करें, तो जैसे कि हमने देखा था अपने डेटा में कि हमें हमारे पास 4 लूप थे, मतलब कि 5 रो थे आप देख रहे हो, 5 रो है और हर किसी का कॉलम चेंज है। इसमें मुझे पता है कि डबल लूप लगेगा, नेस्टेड लूप लगेगा ही लगेगा। यहां पे देते हैं 4 i = 1 to 5, और फिर मैंने बोला कि 4 j = 1 to i, फिर बोलता हूं सेल्स i, j. value = i, ऐसे स्टार, फिर नेक्स्ट j, अगर वापस आते हैं यहां पे कहते हैं नेक्स्ट i, ठीक है। अब मैं इसको यहां आके प्ले करता हूं, सेम टॉपिक बना, तो मैं इसको समझाता हूं। देखिए हम जानते हैं कि लूप जो चलता है, अब एक बार 4 i चलेगा तो i जितना है उतना बार j चलेगा। जैसे कि पहला बार अगर चला तो i 1 था तो j हमारा एक बार चला और इसमें 1 में डेटा रख दिया। दूसरे बार में i 2 है तो 1 2 2 चला, तो पहले बार में इसने डेटा को यहां रखा, दूसरे बार में इसको यहां रखा, देन आई तीसरा बार आई चला तो 4 जो है 1 2 3 चलेगा, और यहां पे पहला बार यहां रखेगा, दूसरा बार यहां रखेगा, तीसरा बार यहां रखेगा। क्यों? क्योंकि तो जब हमने यहाँ पे सेल्स के अंदर वैल्यू डाला है, हमने यहाँ पे रेंज का नहीं किया है, हमने सेल्स से पिक किया है, यहां पे हमने देखा कि आई आई हमारा रो बन जाता है जो कि फिक्स होता है। ये चेंज कब होता है? जब जे बाहर करता है, और ये हमारा चेंज होते रहता है कि पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, मतलब कि पहला बार आई, तीसरा बार आई चल रहा है, तीसरा बार आई चल रहा है तो i 3 हो गया, मतलब कि रो नंबर 3, तो पहला नंबर 3 1, 3 3 2, 3 3, तो ऐसे आपको यहां पे 3 1, 3 2 एंड 3 3 इस तरह से चला। क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? एक काम करिए, आप साथ में करते भी रहिए, क्या सही रहेगा ना? हाँ सही रहेगा। तो इसको करके देखिए एक बार, मैं दोबारा समझा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा तो हमने प्रिंट करवा लिया, मैं इस तरह से प्रिंट करवाना चाहता हूँ रिवर्स करके। तो रिवर्स करके प्रिंट कराने के लिए हम सेम मैक्रो अप्लाई करेंगे, बस इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा चेंज क्या होगा कि जो प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट स्टार्ट यहां से होना चाहिए, पहला पहला दूसरा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, इस तरह से होना चाहिए था। तो हम अगर ए कर दें 5-1, 5-j कर देते हैं, डन प्ले करते हैं। एक मिनट देखिए, 6-j होगा, माफ कीजिएगा, तो 5-0 जाता ना, सेल जीरो नहीं ले सकता ना। 6 हमने यहां पे किया था, गड़बड़ हो गई, ये डबल बन गया, ऊपर एक नहीं आया हमारा, कुछ तो गड़बड़। अच्छा हाँ, पहले प्रिंट हो चुके थे ना, माफ कीजिएगा, वो गड़बड़ इसमें नहीं हुई थी। हाँ आप प्रिंट कर दें, सही है एकदम। हमने क्या अप्लाई किया, हमने जस्ट 6 यहाँ पे 6 को माइनस कर दिया, ठीक है। उट अब इस दोनों की कंबाइन करके आपको एक नया करना है। नया क्या करना है कि मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहता। ये तो दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? दोनों को मिला देना है बस। तो इसके लिए प्रोग्राम आप राइट करके देखिए, आपसे नहीं होता है उसी में भी करता हूं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नंबरिंग का हेर फेर करना है हमें। हमारे इस प्रोग्राम जो हमने लिखा है, इस प्रोग्राम में हमें जस्ट थोड़ा बहुत नंबरिंग का हेर फेर करना है, दोनों प्रोग्राम में कंबाइन करके नंबर को हेर फेर करना है ना। बस इसी एक नया मैक्रो क्रिएट करते हैं, पता नहीं आप क्या किया, लेकिन आपका काम होगा सही तरीके से नहीं कर रहा है तो गलत है। आप बस ये दोनों मैक्रो या दोनों मैक्रो के यहाँ पे एक बार एक के बाद एक पेस्ट कर दो, ठीक है। बस इसमें क्या है कि ए आपका पहले ए बाद में, अब इस जो आपका ऊपर आ रहा है ना यहाँ पे जो इसमें +5 कर दो, बस सिंपल सा काम है। मैक्रो +5 तो मैंने भी तो यही करा है, मैंने तो एक इसमें कंबाइन करा है, आप देखो तो रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया ना, तो फिर ऐसा क्यों है? हमने अगर एक ही में कंबाइन करा तो ओके वही सेंस है। एक मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हुआ, बताता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूं। हाँ आपने बोला ए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है आपने कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 1-5 चलना चाहिए और दूसरा 1-i चलना चाहिए, ओके। अब आपने यहां पे किया है सेल जे +5, हाँ यहीं पे तो आपका गलती हुआ, नहीं सही है ठीक है, बट इसको इस पे चढ़ाना चाहिए था आपको। तो यहां पे आपने जो +5 किया है इसको 4 कर सकते हो, मैंने भी नहीं किया था, तो ये आपके लिए सही रहता, सही है। तो मैं भी ऊपर में गलत किया था, यहाँ पे 4 करना चाहिए,
तो आप दो है ना अलग, सर, मैंने हाँ वही कंबाइन करने को सोचा। हाँ कमाई देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इजी डिफाइन करते हैं। आप कंबाइन करके फिर दिमाग लगाने करके जो क्या, दोनों एक साथ है तो हमने एक साथ बेस्ट कर दिया। तो आप जो पर डिपेंड करता है अच्छा कि आप सबसे शॉर्ट दे, क्योंकि तो हम काम करते हैं, जब भी हम काम करने बैठते हैं हमारा एक ही मोटिव होता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करना, टाइम सेव करना। तो ये भी अच्छा, अगर आपको सिर्फ यही राइड करना होता, इतना ही राइड करना होता, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका था ये। लेकिन आपके पास ऑलरेडी दो अलग अलग मैको बने हुए हैं, तो आप उसको कंबाइन कर सकते हो। अब मैं इसमें एक काम और करना चाहता हूँ। अब इसी काम को, जो हमारा डेटा है, इसी डेटा को, ये जो हमने यहाँ पे रखा है ना, इसी को मैं पलटना चाहता हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, इसको मैं इस तरीके से पलटना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम करते हैं। सब्जेक्ट सी ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैंने यहां पे लिखा फोर आई इक्वल टू 1 2 5, ये तो पता है कि 1 2 5 चलेगा हमारा। फोर क्या, सर एक मिनट, आप ये भी मेरे को करने के लिए दीजिए, ये आप कीजिएगा। मैं करता हूँ। हाँ हाँ कीजिए कीजिए। यहाँ आपने यहाँ पे कोड किया कि डिम आई एन टी सही है 4 1 से 5, क्या आपने तो उल्टा नहीं कर दिया? तो अच्छा हमने इस तरीके के ग्रिड बोला था। ये भी तो करना था। चलो ये भी आपने कर दिया, सही किया। बट इसको इस तरह से करने के लिए क्या करना होता बताता हूँ आपको। यहाँ पे 6 माइनस ये करना होता बस। इस तरह से बन गया। बनिए अब मुझे इकट्ठा करना है दोनों को, इसको इसको आपस में इकट्ठा करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे 5 प्लस, बाकी सब सेम रहेगा, बन गया क्या सर? अब मुझे इसको नीचे लेके आना है। प्लस नीचे आ गया, लेकिन ये दोनों को चढ़ाना है तो मैं यहां पे 4 प्लस कर देता हूं। फोर प्लस कर गया। और उसके बाद ये जो हमारा था, ये जो आपने ऊपर वाला कोड किया है ना, इन दोनों कोड को लेके आना है। करना देखा, तो
एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आपके वर्क फ्लो में काम आएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने लूप को अच्छी तरीके से समझा, नेस्टेड लूप और लूप के सारे कंडीशंस को आप अच्छी तरीके से समझा। साथ में इस तरह की चीजें आप इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम करना चाहें, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अब मुझे इस नाम को तोड़ना इस तरीके से है कि मुझे इस तरह से करना है, एस देन एस यू देन एस यू जे देन एस यू जे ई देन एस यू जे डबल ई देन एस यू जे डबल ई टी। कर सकते हो ऐसा आप? हाँ, करके दिखाइए। सामने लिखा, यहां पे नेम डिफाइन कर लिया हमने, यहां पे एक लूप लगाया, सेकेंड लूप लगाया। अब इसमें क्या करना है मुझे, यहां पे करना है सेल, सॉरी डी इक्वल टू डी के साथ कॉन्कनेट किया लेफ्ट, नहीं कॉन्कनेट करने की जरूरत ही नहीं है सर, सेल आई कॉमा बस यहां पे रेंज एक ही देना ना, मैं रेंज A1 की जगह हम इसको A के साथ कंबाइन कर दे आई, नहीं नहीं इसमें जे लगाने की जरूरत ही नहीं सर, यहां पे सीधे करना है रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट एन कॉमा आई और यहां जाएगा नेक्स्ट आई। मैं प्ले करूं ट्रिपल आर वन, ठीक है, अब इसमें इसको रिवर्स कर दो। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो अपने एक्सेल के साथ। तो लूप समझ, फोर लूप समझ में आ गया। और फिर सर एक इसी लूप के अंदर अगर सपोज के हमारे 10 रो हैं, जिसके अंदर से पहली रो में लिखा हुआ है 1, फिर तीसरी रो में लिखा हुआ है 2, फिर पांचवी रो में लिखा हुआ है 3, फिर आठवीं रो में लिखा हुआ है 4, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है कि जहां से 1 से लेकर 2 के बीच में जो गैप है उसमें अगर मैं जैसे फिल डाउन करता हूँ कंट्रोल डी, तो सब में 1 आता है, फिर उसके बाद 2 से लेकर 3 के बीच में जो गैप है उसमें 2 लिखा आ जाए, और फिर 3 से लेकर 4 के बीच में जो गैप है उसमें 3 लिखा आ जाए, तो मतलब इस तरीके से पूरा कंबाइन हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं जो लूप चलाऊंगा वो कैसे चलाऊंगा, करें से एक्सेल में एक बार, इसको तो नॉर्मल एक्सेल ही कर सकते हो सर, बीबीए की जरूरत ही नहीं। नहीं सर, काम तो आजकल सारे बीबीए से ही कर रहा हूँ ना मैं। बात तो सही है, जब नॉर्मल में इजीली हो जाएगा तो बीबीए पर काम करने की जरूरत क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मेथड समझा देता हूँ, उस मेथड से आप खुद कर सकते हो। देखो मैं नॉर्मल मेथड समझा देता हूँ, ठीक है। अब बताइए कि जो डेटा आपने लिखा है वो डेटा ये है आपका, आप बोलना चाहते हैं मैंने पुनीत लिखा हुआ है, ठीक है ना? नहीं मैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके बीच में आप इस तरह से डाउन करना चाहते हो ना, हाँ, तो कंट्रोल जी करो, स्पेशल ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लो, ब्लैंक सिलेक्ट हो गया,
इक्वल करो, ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, देन कंट्रोल एंटर। समझ में आया क्या करा सर? ये दोबारा हो जाए। बेसिकली क्या है ना सर, एक सिंपल सा मेथड है, जितने एरिया हम सिलेक्ट करते हैं ना, अगर हमने कुछ टाइप किया और नॉर्मल एंटर एक सिलेक्शन में रख के हम टाइप करते हैं, नॉर्मल एंटर मारते हैं, तो कर्सर नीचे आते एक में टाइप कर देता है। लेकिन कुछ टाइप करने के बाद अगर हम एंटर की जगह, नॉर्मल एंटर की जगह कंट्रोल एंटर मार दें टाइप करने से, बाहर निकलने से पहले, तो वह चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरे में। अब यहां पे सेम मेथड मैंने क्या किया, गो टू स्पेशल पे गया, स्पेशल क्या करता है सिलेक्शन देता है, इसमें सिलेक्शन दिया कि जितने ब्लैंक सेल है उस सारे ब्लैंक सेल को सिलेक्शन कर ले। उसके बाद मैंने बोला पर इसमें, पर नहीं नहीं सर, इसमें फिर ब्लैंक सेल को, फिर ब्लैंक तो और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ इतने को इसमें सिलेक्ट करा, बेसिकली यूज डेटा पे चलता है। अच्छा, ये यूज यहाँ ए से लेके यहाँ तक है ना, अगर यूज ए से लेके बी तक होता ना तो पूरा सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, देन मैंने सिलेक्ट करके हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया ए टू। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे हम अगर नॉर्मल एंटर मारेंगे तो पुनीत आ जाएगा, एक बस ए टू में लिखा हुआ। कंट्रोल एंटर मारते क्या हुआ कि ए टू को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देगा जहां जहां सिलेक्टेड है। अब जानते हैं कि फॉर्मूला इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं रिव्यू की जरूरत शुरू करूं, तो इसमें आप फोर ईच वाला पार्ट लगा सकते हो यहाँ पे, और ईच वाला नहीं। हाँ, हमने यहां किया डिम आर एज ए रेंज फोर इच आर इन सिलेक्शन कंडीशन इफ आर डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू जीरो देन आर डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट माइनस वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू। यहां से नेक्स्ट आर और यहां पे एंड इफ भी करना पड़ेगा, मत कीजिएगा एंड। ठीक है, सिलेक्शन करो पूरा का पूरा एरिया, सिलेक्शन कर लिया देन इसको रन कर दो आर आर टू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि फोर एक सिलेक्टेड एरिया में जाओ, अगर जो जिसका वन बाय वन चलेगा टाइप के साथ, अगर इक्वल टू जीरो है तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू से इसको बराबर कर दो। ठीक है जी, तो ओके आज की कथा हम समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक, थैंक यू। और